आगामी दिनों में प्रचंड ठंड की संभावना जो है वो जताई है। मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड अपने प्रचंड तेवर में है। कोहरा और बारिश से प्रदेश का तापमान माइनस तक पहुंच गया है, जिससे लोगों को हाड़ कपा देने वाली ठंड का एहसास होने लगा है। हालांकि मौसम को देखते हुए अगले 6 दिन तक ठंड से राहत मिलने की संभावना नहीं है। रीवा, शहडोल, जबलपुर, भोपाल, दमोह, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, नर्मदापुरम, बैतूल में बारिश का अनुमान है। वहीं उज्जैन, ग्वालियर, सतना, छिंदवाड़ा, मंडला, पन्ना, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी और इंदौर में कोहरे की संभावना है। इन जिलों में कोहरे की वजह से विजिबिलिटी 50 से 200 मीटर तक रहने की आशंका है। ठंड का कहर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। ठंड की वजह से राजधानी भोपाल में विजिबिलिटी पूरी तरह से घट गई है। देख सकते हैं कोहरे ने पूरी तरह से शहर को ढक लिया है और यही वजह है कि विजिबिलिटी काफी कम हो गई है। कई जिलों में बारिश और कोहरे को लेकर अलर्ट है, तो वहीं तापमान की बात करें तो 5 बड़े शहरों के साथ साथ 13 जिलों में 20 डिग्री से कम टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है, जिनमें गुना जिला सबसे ठंडा शहर आंका गया। गुना का तापमान 15.5 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि ग्वालियर का पारा 15.6 डिग्री सेल्सियस रहा। भोपाल में 19.9 डिग्री, इंदौर में 18.3 डिग्री, उज्जैन में 17.5 डिग्री और जबलपुर में पारा 21.5 डिग्री दर्ज किया गया। सागर का टेम्परेचर 11.7, दतिया का टेम्परेचर 10.9 डिग्री, शिवपुरी का 12.01 डिग्री, राजगढ़ का 12.5 डिग्री दर्ज किया गया। तापमान की बात करें तो न्यूनतम तापमान 14 डिग्री से नीचे राजधानी भोपाल में देखने को मिल रहा है। तो इसके अलावा यही स्थिति पूरे मध्य प्रदेश की भी है, जहां पिछले 24 घंटे में इंदौर में जो तापमान है वो भी 15 डिग्री से कम देखने को मिला है, शिवपुरी में 12 डिग्री से नीचे तापमान पहुंच गया है, सागर में देखें तो 11 डिग्री से नीचे तापमान पहुंच गया है, सबसे ठंडा शिवपुरी है। इसके अलावा राजगढ़ में भी 12 डिग्री से नीचे तापमान दर्ज किया गया है। जहां ठंड से जनजीवन अस्त व्यस्त है, तो वहीं ठंड और कोहरे का ट्रेनों की रफ्तार पर भी असर पड़ा है। दिल्ली, यूपी और महाराष्ट्र से आने वाली ट्रेनें देरी से चल रही हैं। वहीं कई ट्रेनों का संचालन रद्द किया गया है, जिससे यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ठंड के प्रचंड रूप को लेकर मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि 11 जनवरी तक ऐसा ही मौसम रहने वाला है। पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होने से प्रदेश में मौसम सर्द रहेगा। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर समेत 30 जिलों में मध्यम से घना कोहरा छाने की संभावना है। आधे प्रदेश में बादल छाने के साथ बूंदाबांदी या हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 2 से 3 दिन तक यही स्थिति राजधानी भोपाल समेत तमाम जिलों में रहने वाली है। विजिबिलिटी इतनी कम है कि जिसकी वजह से लोगों को सुबह ही हेडलाइट चालू करके अपने वाहन चलाने पड़ रहे हैं। प्रदेश से सर्द हवाएं चलने के साथ बारिश और कोहरे का डबल अटैक जारी है। धुंध को लेकर किसानों को अपनी फसल की चिंता अब सताने लगी है। मावठी से गेहूं के पौधे की ग्रोथ होगी, जबकि चना मसूर को नुकसान हो सकता है। बारिश थमने के बाद आलू में फंगस लग सकती है, तो सरसों में माहू कीट का अटैक हो सकता है। नए साल की शुरुआत से ही पश्चिमी विक्षोभ से मौसम में बदलाव आया है, तो जनजीवन के साथ साथ किसान भी परेशान हैं। फिलहाल ऐसे मौसम में लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। रात को सबसे ज्यादा समस्या लोगों को झेलनी पड़ रही है। फिलहाल मौसम विभाग ने आने वाले 2 से 3 दिन तक इसी तरह की स्थिति रहने का अनुमान लगाया है। वीडियो जर्नलिस्ट आशु के साथ गौरव गुप्ता, न्यूज स्टेट, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और ऐसे से मिल रही है बड़ी खबर, जहां पर